इससे तो पहले हम तब ठीक थे, तब वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी और कोई रोड नहीं थी। जब वोटिंग का टाइम हुआ वहाँ पे कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई हमारे पास राशन कार्ड नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था। उससे पहले तो हम तब ठीक थे, अपनी झुग्गी डाल के सुख शांति से रह रहे थे। जब वोटिंग का टाइम आया, तो सरकार ने क्या किया वहाँ पे, हमारी जो रोड बनवाई, सरकारी शौचालय बनवाए, हमारे जो वोटर आईडी कार्ड बनवाई और आधार कार्ड वगैरह बनवाए, और अब बनवा के जब सरकार अड्डी जा रही है तो हमारी जो बस्ती तोड़ी जा रही है। तो क्या हम एक वोट इस्तेमाल करने का ही फायदा उठाने वाली सरकार है हमारी? और जो वोट को ही हमें यूज किया जाता है, हमारे हम घर पे रहते हैं, कोई मतलब की आता है घर तोड़ कर चला जाता है, हम जाते हैं सर्दियों का टाइम है, कहाँ रहेंगे इस टाइम पे हम? घर तोड़ने से पहले नोटिस वगैरह? अगर हमसे अगर कोई थोड़ा सा कोई नोटिस आता तो हम सावधान होता, थोड़ा सामान इकट्ठा करते, कहीं पे बच्चों का आटा बिखरा पड़ा है, कहीं पे अपना, मैं शाम को काम पे आया तो देखा तो कहीं पे मेरा पानी उखड़ा पड़ा है, सारी ईंटें तितर बितर है। दो दिन मैंने अपने घर पे रुककर बदी मुश्किल पड़ोसी से सहायता लेके चंदा एक दूसरे करके मैंने जो है अपना जो झुग्गी बनाई है, और फिर भी अभी सोच रहे हैं कि तोड़ने हैं। तो क्या हमें वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या मेरा आधार कार्ड और मेरा पहचान पत्र जो बनवाया गया है, ये जो बनवाया गया है, बिजली की जो सुविधा दी गई है, क्या वो वोट पाने के लिए दी गई है? आज हमने वोट अपनी सरकार को बनाया, मोदी जी को हमने बनाया है, हमने जो डबल इंजन पावर की जो सरकार बनवाने की जो योजना चल रही है, तो क्या हमारे वोट पाने के लिए किया गया था ये सब? क्या कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं था? कोई नहीं था। वीर गब्बर सिंह, बस्ती तरला नागल गुजराना, विधानसभा रायपुर के हम निवासी हैं। 20-25 सालों से लोग अपने बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी कर बस्ती में पाल रहे हैं, और अब जो है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा परिसमन के बाद जो है नगर निगम के दायरे में हमारी बस्ती आ चुकी है। उसमें जो 30 तारीख शनिवार को नगर निगम की टीम हमारी बस्ती पर अपनी जगह बताकर जो टूट पड़ी, जो निर्माण तोड़े गए, जो हमारे घरों को नुकसान पहुंचाया गया, अब घर लोग सब दिहाड़ी मजदूरी पे थे, 6 बजे लोग घर से आए हैं तो देखा है टूटा फूटा सब पड़ा है, तो ये नगर निगम का बहुत बड़ा दोष है। बिना किसी सूचना के, बिना किसी के घर में आना जो है राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है। हमारा डबल इंजन की सरकार देने का ये वादन था कि हमें लोगों घरों से उजाड़ा जाए। बस्तीवासी इसलिए बसते हैं कि भैया वोट बैंक का इन्होंने सोच लिया है, पूरे भारत की बस्तियां अगर हटानी है तो एक तरह से सारी बस्तियां हटाई जाए। डबल इंजन की सरकार से हमारा सवाल है नहीं, कि नहीं, हमें इस दिन के लिए नियमितीकरण बोल के और फिर ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, बहुत मनमानी कर रहे हैं, जनता को बिल्कुल जीने नहीं दे रहे हैं। अमीर जो कब्जा करके बैठे हैं उनको क्यों नहीं हटाते? शिशम बाड़ा देख लियो, राठी पाठी जो भी है वहाँ पे थाना क्षेत्र में भी आए थे, अतिक्रमण के खिलाफ दम नहीं है, गरीबों के खिलाफ दम दिखा रहे पूरे भारत में चले ना। मैं ये उत्तराखंड सरकार जो है, आज भी सरकार ने बहुत बस्ती वालों को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि हम लोगों का शोषण। अब नगर निगम चुनाव जो आ रहे हैं उसमें आपकी क्या रणनीति है, क्या कहना चाहिए? ये है कि बस्ती वासी तो बीजेपी को तो बहुत मुश्किल सोचेंगे लोग, क्योंकि जब हमारा प्रचार भी करेंगे क्या फायदा, अगर यही होगा तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी करेंगे। श्री रावत को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था हमने कि बस्ती वासियों को नुकसान हो। अगर आज कोई विधायक, कोई सांसद, कोई ग्राम प्रधान, कोई हमारे साथ बोलने को राजी नहीं है, हमारे पक्ष में बोलने को राजी नहीं है, कोई अधिकारी हमारी सुनने को राजी नहीं है, डीएम साहब हमें कार्यालय में नहीं मिले। इतने बस्ती वासी अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के घरों पे आए, 26 साल पहले हमारी माताएं बहनें बस्ती में रही हैं, हमने शेर भगाए हैं वहाँ से, आपने छापा भी है अपनी मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे गब्बर बस्ती में एक शेर ने एक आदमी को भी मार गिराया था, वहाँ पे एक शेर ने हमारे साथ बहुत हमारे भाई को खा लिया था उसमें। अब जो है वहाँ पे धीरे धीरे जो बस्ती बस गई है 20 सालों से, अब वहाँ पे कोई जानवर नहीं आते, तो इसलिए हमारा शोषण जो है हमारा किया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से, और इसमें दोषी पूरी तरह राज्य सरकार है, ये बस्तीवासी। तो नगर निगम में आज आपने क्या ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन? डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, प्रतिलिपि अपने नगर आयुक्त जी को दी है, जिससे नगर निगम की टीम द्वारा हमारे नगर निगम हमारे बस्ती में ना भेजी जाए तो, और हमें जो है रहने दिया जाए। तो उन्होंने डीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? डीएम साहब मिले नहीं, राज्य सरकार को भेजा जाएगा, आपका जो निर्णय करना है वो राज्य सरकार करेगी, उसमें कोई अधिकारी हमारी टोली कट रहे हैं, फैसला नहीं गया तो सर लग जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे। हम लोग
वहाँ पे करीबन 20 सालों से रह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग वहाँ पे झाड़ी जंगल काटते रहे हैं, शेर वहाँ पे आता था, हम लोग कैसे कैसे अपने बच्चों को लेके वहाँ पे रहे, मोमबत्तियाँ जला के हम लोग वहाँ पे रहे हैं, हमारे बच्चे भी वहीं पर ही पैदा हुए हैं। और जब भी कोई नेता आता है, पहले उन्होंने कहा कि बस्तियाँ अवैध थी, लेकिन अब कहा उन्होंने कि बस्तियों का वैधीकरण किया गया है, और हम लोग उस भरोसे पर रहे कि शायद अब वैधीकरण किया गया है। तो मोदी जी का बार बार कहना यह था कि गरीबों को छत दिया जाएगी, गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और कहा गया कि हर गरीब को मालिकाना दिया जाएगा। जब भी कोई नेता बस्ती में आता है तो कहते थे कि गरीबों को मालिकाना दिया जाएगा, लेकिन आज कहाँ है वो मालिकाना, जो सारे नहीं मिलते नहीं आते। जब हमारे पर कोई मुसीबत नहीं आती है तब नेता लोग कहते हैं कि हम दिल्ली हैं, हम बाहर हैं। जब हम कॉल करते हैं नेता लोगों की हमारे ऊपर विपत्तियाँ पड़ी हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर हैं, तो हमारा वहाँ बस्ती में कोई नहीं। आज कहाँ गया वो मालिकाना, जब लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि हमें तुम लोगों को मालिकाना दिया जाएगा। गरीबों का शोषण सिर्फ नेताओं को बनाया गया है, प्रधानमंत्री को बनाया गया है, वोट दी गई है, आज हम लोगों को घर से बेघर कर दिया जा रहा है, हमारे बच्चे रोते हैं। मेरी छोटी 12 साल की लड़की है, उसको जब हमारे घर में खाली करने के लिए आए हैं तो मेरी लड़की को फिल्ड पड़ा है, उसकी जिम्मेदार कौन होगा, सरकार होगा, कौन होगा उसके जिम्मेदार। मैंने 2 घंटे तक अपनी लड़की को नहीं संभाल पाई, मेरी लड़की होश में नहीं आई कि मम्मी अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सड़क पे हमारे पास कोई सहारा नहीं है। तो हम लोगों का शोषण क्यों किया जा रहा है? तो क्या आप मोदी जी कहते हैं कि गरीबों की सरकार, ये कौन सी सरकार? आप अपने सामान पकड़ो और बाहर निकलो। तो हम लोग हैं, हम चाहे मर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम वो नहीं रहेंगे। अरे विधायक से क्या, विधायक से मिले, विधायक से मिले, विधायक से मिले, आप लोग विधायक से मिले जी, बाहर ने फोन करा था विधायक को, विधायक जी कहा था कि हम बाहर हैं, ये हम नहीं जानते कि विधायक जी के अपने स्थान पे या बाहर हैं। बस यही बोला विधायक जी ने कि बाहर और कुछ था जी, दिल्ली गए, कह रहे हैं कि हम दिल्ली गए। मैं इसको यूं कहूं कि जनता मेहरबान तो भाजपा की सरकार पहलवान। भाजपा की ये सरकार जनता के वोट पर भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सत्ता के जिस दंभ से गरीब और कमजोर लोगों को बसाने के बजाय उजाड़ने का काम कर रही है, केवल वीर गब्बर सिंह कॉलोनी नहीं बल्कि सीसमबाड़ा से लेकर के गदरपुर से लेकर के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अवैध निर्माण के नाम पर लगातार लोगों के घर, दुकान, मकान तोड़े जा रहे हैं, और जिनके दुकान मकान तोड़े जा रहे हैं उनको पहले बसाने में अधिकांश इन्हीं भाजपा नेताओं का हाथ है। जब उनको वोट चाहिए थे तब उनको बसाने के लिए उकसाया, और अब वो सत्ता में आ गए तो अब उनको उजाड़ रहे हैं, लेकिन उनको बसाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। राज्य में या देश में जो देश का नागरिक है उसके कुछ मूलभूत अधिकार हैं, उसमें भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार के साथ साथ उसको जो रहने की सुविधा है वो अधिकार भी उसका है, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रिहायश की व्यवस्था करे। केवल शोर मच रहा है कि साहब हम शहरी क्षेत्रों में आवास देंगे, लेकिन ये आवास देने के बजाय लोगों को उजाड़ने का काम करने वाली सरकार है, और इसकी पोल लोगों के सामने खुल रही है धीरे धीरे। आप देखिएगा जिस ढंग से महंगाई बढ़ी, जिस ढंग से राज्य के अंदर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस ढंग से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और अब इस ढंग से लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है, तो लोग पछता रहे हैं कि हमने क्यों इस सरकार को सत्तासीन करने में अपना वोट दिया। मैंने कहा ना कि सरकार नोटिस देने की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर रही है, सरकार उनकी दुख दर्द को सुनने को राजी नहीं है। सरकार में जो लोग हैं वो तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो खनन पट्टे और क्रेशर स्वीकृत हुए थे उनको पहले निरस्त किया, और आज बगैर किसी उसके दोबारा से उनको कर दिया। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि राज्य में सरकार है भी कि नहीं, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। तो यहाँ पर नोटिस देगा कौन? जब सरकार होगी, कोई मालिक होगा, तब तो फिर सिस्टम होगा। लगता ही नहीं कोई मालिक है, इसलिए कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा, और लोगों के घर उजड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे गरीब बेघर होने वाले परिवारों के साथ है, हम उनकी जो हर संभव मदद करने को तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि उनको उनका हक मिले।